हमारे चैनल शाज़े भट्टी राज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस कंटेंट पे बात करने वाला हूँ, यानी उस पर काम करने वाला हूँ, वो है लाइटरूम। कि लाइटरूम में प्रीसेट कैसे बनते हैं और प्रीसेट को कैसे सेव किया जाता है और आने वाले काल में उसे कैसे यूज किया जाता है। तो प्रीसेट को यूज करने से पहले आप लोगों को प्रीसेट को बनाना पड़ेगा, लेकिन प्रीसेट बनाए कौन? हर बंदा प्रीसेट नहीं बना सकता। प्रीसेट बनाने के लिए आपको स्पेशल प्रीसेट की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बाद लोग फोटो एडिटिंग नहीं जानते, और मेरे अपने दोस्तों को फोटो एडिटिंग नहीं आती, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोग फोटो एडिटिंग कैसे करें। ये वीडियो उनके लिए भी है और मेरे बाकी भाइयों के लिए भी। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में लाइटरूम ऐप डाउनलोड करनी होगी, और उसके बाद गैलरी में से कोई भी ऐसी पिक्चर सेलेक्ट कर लें जो आप लोगों ने एडिट करनी हो। जैसे मैं सेलेक्ट करने लगूं, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले लाइट पे क्लिक करना है, और एक्सपोजर आपने -0.15 रखना है, कंट्रास्ट +60 रखना है, हाइलाइट्स आपने -23 रखना है, शेडोज आपने +50 रखना है, वॉइस आपने +50 रखना है, ब्लैक्स आपने -50 रखना है, इसके बाद जो टॉप पे कर्व का निशान बना हुआ है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, और जो सेटिंग मैं करने लगूँ सेम यही सेटिंग आपने करनी है। नेक्स्ट आप कलर पे क्लिक करें और वाइब्रेंस आपने +50 रखना है, सैचुरेशन -10 रखना है, और नेक्स्ट आपने कलर मिक्स पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपने रेड पे क्लिक करना है, ह्यू आपने -14 रखना है, सैचुरेशन -50, ल्यूमिनेंस +20, और इसके बाद आपने ऑरेंज पे क्लिक करना है, ह्यू आपने -10 रखना है, सैचुरेशन -23 एंड ल्यूमिनेंस +26। इसके बाद आपने येलो पे क्लिक करना है और ह्यू -100 रखना है, सैचुरेशन -40 रखना है, ल्यूमिनेंस +20 रखना है। इसके बाद आपने ग्रीन पे क्लिक करना है, इसका सिर्फ आपने सैचुरेशन -100 रखना है। इसके बाद आपने एक्वा पे क्लिक करना है, इसका भी सिर्फ सैचुरेशन -100 रखना है। इसके बाद आपने ब्लू पे क्लिक करना है, इसका भी सैचुरेशन -100 रखना है। इसके बाद आपने पर्पल पे क्लिक करना है, इसका भी सैचुरेशन -100 रख। इसके बाद आप मजेंटा पे आ जाएं, इसका भी सैचुरेशन -100 रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट आप कलर ग्रेडिंग पे आ जाएं। सबसे पहले शेडोज़ में आएँ, शेडोज़ में आने के बाद ह्यू में आपने 200 रखना है, ठीक है, सैचुरेशन में आपने 15 रखना है, और इसके बाद आप हाइलाइट्स में आ जाएं, इसका ह्यू आपने 200 रखना है और सैचुरेशन 20 रखना है। अब इसके बाद आप सीधा आ जाएं इफेक्ट पे, क्लैरिटी आप रखें +20, बेहेज आप रखें +10 एंड विनेट -10। अब इसके बाद आप आ जाएं डिटेल पे, शार्पनिंग आप रखें +30 और नॉइज रिडक्शन आप रखें +20। इसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन रखें आप +15, और इसके बाद आपने जाना है प्रोफाइल्स में, प्रोफाइल में जाके आपने क्लिक करना मॉडर्न में, ठीक है, मॉडर्न नंबर 10 आपने सेलेक्ट करना है, इसे हम 82 कर देंगे।
तो फाइनली हमारा प्रीसेट बन चुका है, और प्रीसेट को सेव करने के लिए ऊपर बने तीन डॉट पे हम क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। क्रिएट प्रीसेट पे हमने क्लिक करना है और ये हमारे सामने प्रीसेट नेम आ गया है। उर्बन हमने डार्क लिखना है इसमें, ठीक है, और हम ऊपर टिक के निशान पे क्लिक करेंगे। ये हमारा सेव हो चुका है, प्रीसेट हमारा सेव हो चुका है। अब हमने प्रीसेट बना लिया है, हमारे लिए आसानी होगी है। अब हम इस प्रीसेट को कॉपी करेंगे और दूसरी इमेज पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारी इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। प्रीसेट बनाने तक सिर्फ हमारी मेहनत होती है, सेव होने के बाद हमारी कोई मेहनत नहीं होती। अब मैंने अपनी गैलरी में से कोई एक पिक्चर उठानी है, उस पिक्चर पे मैं ये प्रीसेट लगाने वाला हूँ और देखना फटाफट ये एडिट हो जाएगी, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मेरे पास कुछ प्रीसेट ऑलरेडी बने पड़े हुए हैं, और जो मैंने अभी बनाया ना डार्क उर्बन, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि कैसे फटाफट से ये पूरी पिक्चर एडिट होगी। क्लिक करने के बाद मेरी ए टू जेड पिक्चर एडिट हो चुकी है। अब मैं इस पिक्चर को सेव करूंगा। शेयर आइकन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट टू कैमरा रोल पे जाना है और वहाँ पे क्लिक करना है, और हमारी पिक्चर गैलरी में सेव हो जाएगी।